बाय बाय दीघा। स्टेशन जो है ना भाई काफी छोटा सा रेलवे स्टेशन यहाँ का मौजूद है, बट देख रहे हैं ना भाई यहाँ का व्यू काफी खूबसूरत लग रहा है भाई। ट्रेन जर्नी हो और अगर भाई ऐसे झालमुड़ी वगैरह आ जाए, और खासकर अगर आप बंगाल में भाई यात्रा कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ का झालमुड़ी जरूर खाइएगा आप लोग। रानी सिरमौली एक्सप्रेस जो कि चलती है आगरा से, नॉर्थ एक्सप्रेस जो कि चलती है कामाख्या से लेकर आनंद विहार की ओर। तो हेलो नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम टू ऑल गाइस। सो कैसे हैं आप लोग, सब कुछ बढ़िया गाइस। फिलहाल मैं हूँ वेस्ट बंगाल के दीघा रेलवे स्टेशन में, और आज आपके भाई की ट्रेन जाने होने वाली है ट्रेन नंबर 15721 यानी कि पहाड़िया एक्सप्रेस में, जो कि चलती है वेस्ट बंगाल के दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। और बाकी डिपार्चर का समय की बात की जाए 5:30 बजे लगभग ट्रेन जो डिपार्ट करेगी। वैसे टाइमिंग की बात कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है वैसे। और वैसे आप लोग बता दूँ दीघा किस चीज़ के लिए फेमस है, दीघा अपने बीच के लिए फेमस है, और यहाँ 2 से 3 बीच जो है मौजूद है सामने में स्टेशन के। एक जो है ओल्ड दीघा बीच है, और एक न्यू दीघा, और एक उदयपुर बीच, और जहाँ आप लोग जाके इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ के बीच को। और बाकी देख रहे हैं ना भाई अपना प्यारा वेस्ट बंगाल का दीघा रेलवे स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत भाई स्टेशन जो है देखने में लगता है। और बाकी यहाँ जो है ना भाई नेशनल फ्लैग वगैरह कुछ मौजूद नहीं है, बट चलिए हर बार की तरह इस जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। और बाकी आप लोग बता दूँ कि जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे दीघा रेलवे स्टेशन में ना भाई, तो आप लोग क्या क्या चीज़ें देखने में मिलेंगे देखिए दिखा दे रहा हूँ। एक देखिए ATM मशीन मिल जाएंगे, वेटिंग हॉल भी यहाँ देखिए उपलब्ध है जो कि सही है। और देखिए भाई यहाँ पर जो है काउंटर वगैरह उपलब्ध है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, मतलब जैसे ही प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ेंगे आप, देखिए क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी आप लोग को यहाँ पर। यहाँ देखिए एक अमूल का स्टॉल है, और यहाँ देखिए पानी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन ये पानी जो है ना आप लोग को नॉर्मल मिलेगा। यहाँ आप लोग को मिल जाएगा भाई ठंडा ठंडा पानी। और बाकी देखिए यहाँ पर भी स्टॉल खुल गए हैं, देखिए एक टेस्टी का, देखिए अमूल का बर्थडे केक वाला स्टॉल खुल चुका है जो कि वैसे सही है। और एक चीज़ भाई आप लोग को दिखा दूँ मैं, है ना, देखिए दीघा रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में बन रहा है जगन्नाथ मंदिर। तो वैसे आप लोगों को बोल दूँ कि दीघा में ना भाई वैसे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं यहाँ के बीच में घूमने के लिए। और ऊपर से भाई जगन्नाथ मंदिर जब बन जाएगा ना भाई, तो ये जगह जो है ना भाई
काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब आएंगे घूमने के लिए। मतलब ये एक वन ऑफ द मतलब ये जो जगह है ना भाई, एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे भी लोग आते हैं बीच में घूमने के लिए, ऊपर से जगन्नाथ मंदिर बन गया है, तो भाई लोगों जो थे ना भाई, ऐसे तो लोग ज़्यादा आते ही है, लेकिन अब क्या होगा, संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे काफ़ी अच्छा लगा वैसे कि जो जगन्नाथ मंदिर जो बन रहा है, और देखते हैं भाई कब जाकर मंदिर बनेगा। वैसे देख कर ये काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बन रहा है स्टेशन के जस्ट बगल में, तो लोग यहाँ पर घूमने आएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जा सकते हैं बीच की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे चलिए चलते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म की ओर चलता हूँ भाई। उस तरह प्लेटफॉर्म में ज़्यादा सेड नहीं है, लेकिन इस तरह भाई ज़्यादा सेड है, जो कि सही है। और शायद हमारी ट्रेन जो है यही है जो कि लगी है दोनों प्लेटफॉर्म पर। बाकी भाई यहाँ पर और एक चीज़ देखिए उपलब्ध है, जो कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी लग चुका है भाई, जो कि सही है। वैसे भाई दूसरी तरफ देख लीजिए प्लेटफॉर्म पर काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है, यानी कि यहाँ का जो स्टेशन है इसको भी मतलब रीडेवलप शायद कर किया जा रहा है भाई, जैसे मुझे देख कर अंदाज़ा हो रहा है ना। बाकी देखिए यहाँ पर भी स्टॉले वगैरह आजकल लग गए हैं, लेकिन एक समय मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं एक समय भाई मैं यहाँ घूमना आया करता था छोटे में, तब यहाँ स्टेशन में ज़्यादा कुछ सुविधा मौजूद नहीं थे, लेकिन आज भाई स्टॉले वगैरह लग रहे हैं भाई, जगन्नाथ मंदिर ही बन रहा है, तो ये सब चीज़ देख के भाई मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा। लीजिए भाई बोर्ड लगा हुआ है, बंगाली में लिखा हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी दीघा, और ट्रेन का नंबर भी भाई लिखा हुआ है। अच्छा ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इस ट्रेन का जनरल कोच है, यानी सेकंड क्लास। चलिए इसका भी एक बार इंटरव्यू आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसा है। ये कुछ इस तरह का इंटरव्यू आप लोग को मिल जाएगा देखने को इस ट्रेन के, अगर आप जनरल कोच में यात्रा करेंगे। एक चीज़ है चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है, ये चीज़ सही है भाई। और बाकी देखिए बेसिन भी है, अच्छा पानी भी आ रहा है, ठीक है भाई वैसे। और बाकी आप लोगों को बता दूँ भाई अपना जो कोच है S5 है, और चलिए चलते हैं अंदर। अब सीट जो है ना भाई RSC मिली है वैसे, देखिए बेसिन पानी आ रहा है भाई वैसे, और मिरर ठीक है, हल्का सा भोजन इसमें ज़रूरी है भाई वैसे। और देख रहे हैं अभी कोच में कोई भी मौजूद नहीं है वैसे, क्या आप लोग बता दूँ आपके भाई को मिली है RSC 23 साइड लोअर, यानी कि आधा सीट आपके भाई को मिला है। और वैसे देखिए कोच अभी खाली है, तो इंटरव्यू यहाँ का दिखा दे रहा हूँ किस तरह का है। चार्जिंग सॉकेट है देखिए दो दो इधर, और फैन वगैरह के स्विच लगे हैं, अभी चालू नहीं है, इंजन अटैच नहीं है सर इसीलिए। और बाकी मिरर देखिए यहाँ का थोड़ा सा ख़राब है, इसको पूछना ज़रूरी है। और होल्डर वगैरह है यहाँ पर, और एमरजेंसी चेल अलार्म, और यहाँ पर देखिए चार्जिंग दो दो सॉकेट, बाकी इस तरह कुछ इंटर स्टैंड में मौजूद है। चले वैसे भाई लगेज को मैं रख लेता हूँ पहले, और बाकी आप लोग को बोल दूँ टाइम वैसे हो रहा है अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, और आप लोग को स्टेशन का अगर जानकारी के बारे में मतलब स्टेशन का अगर जानकारी दे दी जाए, तो स्टेशन का ट्रेन नंबर है ट्रेन नंबर 15721 पहाड़ी एक्सप्रेस, और जो कि वीकली चलती है, एक बार मतलब हफ्ते में एक दिन चलती है, दीघा से शनिवार के शाम के 5:25 में निकलती है, और अगले दिन आप लोग को 15 घंटा 40 मिनट कवर करने के बाद पहुंचाती है अगले दिन संडे यानी सुबह 9:05 में NJP यानी सिलीगुड़ी NJP रेलवे स्टेशन में पहुंचाती है सुबह ये 9:05 में, और इसमें टोटल ये कवर करती है 780 किलोमीटर, और मतलब इस ट्रेन का जो है ना भाई एवरेज स्पीड रहने वाला है 50 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम रहने वाला है 110 KMPH, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना भाई ICF है। और इस ट्रेन में ना भाई मेरे जर्नी करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, काफ़ी समय से मैं चाह रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और इस ट्रेन में यात्रा करूँगा, और आज काफ़ी दिनों बाद भाई इस ट्रेन में भाई जर्नी हो पा रही है। और बाकी अगर होल्डिंग की बात की जाए ना, जो हम लोग जर्नी करने वाले हैं दीघा से NJP के बीच, इसमें टोटल होल्ड रहने वाले हैं 15, जितने हो सकेंगे अभी शाम से लेकर रात तक कवर करूँगा, उसके बाद रात के कुछ स्टेशन स्किप करके
फिर दोबारा फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी कि यह ट्रेन इस ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, और जो कि एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। और पहाड़ी एक्सप्रेस जो है ना, इसका अगर मीनिंग आप लोग बता दो, पहाड़ी का मतलब होता है पहाड़ के लोग, यानी कि ये ट्रेन जो है ना भाई, अपने वेस्ट बंगाल के दीघा से लेकर पहाड़ी इलाका यानी कि NJP यानी सिलीगुड़ी जा रही है, इसलिए इस ट्रेन का नाम रख दिया गया है भाई पहाड़ी एक्सप्रेस। और अगर बात की जाए भाई इस ट्रेन की, अगर इनॉग्रल रन के डेट के बारे में, इस ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था 5 अक्टूबर 2009 में। और इस ट्रेन का अगर कोच कम्पोजिशन के बारे में बात की जाएगा ना, तो इस ट्रेन में 2 जनरल कोच आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। इसके अलावा 2 जनरल कोचेज जो आप लोगों को मैंने बताया ना, 2 जनरल कोच आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, एक पीछे तरफ और एक एकदम आगे इंजन के पास में। और इसके अलावा 8 स्लीपर कोच आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, 4 थर्ड AC और एक जो है मिलेगा आप लोग को फर्स्ट AC कम थर्ड AC कोच यानी कि HB1 कोच, इस तरह का कोच आप लोग को देखने में मिल जाएगा इस ट्रेन में। और अगर बात की जाए ना भाई इस ट्रेन के फेयर के बारे में, जनरल में अगर आप लोग को जाना है भाई दीघा से NJP के बीच, उसका फेयर बढ़ेगा 230 रुपया, स्लीपर में जाएंगे 410 रुपया, थर्ड AC में अगर आप लोगों को भाई जाना है इस ट्रेन में, उसका फेयर बढ़ जाएगा 1110 यानी कि 1110 रुपीज़। एंड आप लोग को भाई जाना है अगर फर्स्ट AC में ना भाई, तो उसका फेयर आप लोग को पड़ जाएगा 2660 रुपया। ये जो था मैंने आप लोग को फेयर बता दिए। और बाकी कुछ देर में है ना भाई हमारे ट्रेन में अटैच होगा लोकोमोटिव, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव कौन सा लगने वाला है। वैसे इस रूट में तो पहले भाई मतलब इस ट्रेन में पहले डीजल लोकोमोटिव भी लगता था, दिघा नहीं NJP तरफ, हावड़ा के बाद हावड़ा से डीजल लोकोमोटिव लगता था, बट आज जो है भाई ये सेक्शन जो है NJP तक फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो गई है। तो चले देखते हैं V4 या V5 शायद हो सकता है कोई लोकोमोटिव, शायद हावड़ा का ही मुझे लग रहा है, चले देखते हैं लोकोमोटिव कौन सा। और बाकी भाई हमारे इस ट्रेन को जो है लीड करने वाली है टिल हावड़ा तक, जो कि विजयवाड़ा का भाई V7 का लोकोमोटिव, क्योंकि हावड़ा में लोको रिवर्सल होगा। बाकी स्टार्टअप सुन लीजिए V7 का एक बार। और बाकी आप लोग बता दूं ट्रेन वैसे डिपार्ट कर चुकी है शाम के 5:25 में बिल्कुल ऑन टाइम दीघा रेलवे स्टेशन से। और बाकी बता दूं जिस तरह से आजकल फैसिलिटीज वगैरह जो बढ़ रहे हैं ना दीघा रेलवे स्टेशन में, उस सालों में ना भाई काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बन जाए, क्योंकि कितना सारा सुविधा आजकल आ गया है, पानी, डस्टबिन, टॉयलेट, और देखिए टॉयलेट भी क्योंकि खुल गया है जो कि सही है भाई। वैसे बाय बाय दीघा। बाकी देख रहे हैं यहाँ ट्रेन के डिपार्चर के साथ ही यहाँ पर बैकवाटर्स वगैरह खूबसूरत सा भाई व्यू लग रहा है वैसे। और बाकी आप लोग को बोल दूँ दीघा रेलवे स्टेशन के बारे में ना, तो दीघा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DGH, 3 प्लेटफॉर्म को भाई दीघा का जो है रेलवे स्टेशन है, 10 ट्रेन दीघा रेलवे स्टेशन से ट्रेन टर्मिनेट करती है। और दीघा रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता है साउथ ईस्ट रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन में, और जो कि पड़ता है पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल में। Thank you.
बाकी भाई हमारी ट्रेन का यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है रामनगर बंगाल रेलवे स्टेशन में, बट यहाँ ट्रेन को जो है ना रोक दिया गया है। बट जो स्टेशन जो है ना भाई काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन यहाँ का मौजूद है, बट देख रहे ना भाई यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है वैसे भाई। बस एक चीज़ की कमी है ना भाई, जो कि है भाई रेनफॉल की, पानी की। अगर बारिश हो जाती ना भाई तो और खूबसूरत लगता है। बाकी वैसे आप लोग बता दूँ हमारी ट्रेन वैसे आ चुकी है अपने इस ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट में कांठी रेलवे स्टेशन में। और भाई देख रहे हैं ना भाई लोग जो है ना प्लेटफॉर्म भाई खचाखच भरे हुए हैं वैसे। और बाकी आप लोग बता दूँ हम लोगों ने टोटल कवर कर लिए 32 किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन दीघा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं कांठी रेलवे स्टेशन में। यहाँ का स्टेशन कोड है KATI। दो प्लेटफॉर्म को भाई रेलवे स्टेशन ने 19 ट्रेन यहाँ होल्ड करती है। यह स्टेशन पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन में। और कांठी का और एक नाम है कोंटाई, और जो कोंटाई उसका मतलब लोग बता दूँ जिसको बोला जाता है सैंड ऑफ वॉल्स। और यहाँ से लगभग उचित दूर में मौजूद है एक बीच जिसको बोला जाता है मंदरमानी बीच। और ट्रेन की टाइमिंग की बात की जाए ट्रेन में घुसने का समय था 5:56 5:56 PM में, ट्रेन घुसी है 5:58 PM में। और 2 मिनट लेट ट्रेन यहाँ घुसी है। और हॉल्टिंग अगर बात की जाए ना भाई ट्रेन का यहाँ हॉल्ट है 2 मिनट का। शाम की 6 बजे ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है कांठी रेलवे स्टेशन से। और जिस बीच के बारे में बात कर रहा था ना मंदरमानी बीच, वो लगभग 17 किलोमीटर दूर पड़ेगी कांठी रेलवे स्टेशन से। और यहाँ स्टेशन के मतलब बगल में आप लोग को एक ऑटो ही मिल जाएगा जिससे आप जा सकते हैं मंदरमानी बीच। पर आप लोगों को मिल जाएगा ऑटो वगैरह मंदरमानी बीच अगर जाना है तो आप लोग को। जानी हो और अगर भाई ऐसे झालमुड़ी वगैरह आ जाए, और खासकर अगर आप बंगाल में भाई यात्रा कर रहे हैं ना भाई तो यहाँ का झालमुड़ी जरूर खाइएगा आप लोग, है ना। अब ऐसे आजकल तो भाई 20 रुपए के मिलते हैं तो 20 का ही भाई झालमुड़ी खा लेता हूँ वैसे। बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है बाकी देखिए आ गए अपने झालमुड़ी। और आप लोगों को भाई बता दो काफ़ी दिनों बाद भाई मैं ना झालमुड़ी खा रहा हूँ, है ना। पहले खाते हैं भाई वैसे।
और बाकी आप लोग बता दो, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है 93 किलोमीटर, वो भी दीघा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड है TMZ, तीन प्लेटफॉर्म को भाई ये रेलवे स्टेशन है वैसे ही है। और ट्रेन घुसने का समय था 6:55, ट्रेन घुसी है 6:54, और ट्रेन का डिपार्चर का समय है वैसे 6:57, 6:57 PM में। और बाकी प्लेटफॉर्म की बात कीजिए, यहाँ प्लेटफॉर्म है 3 और 23 ट्रेन यहाँ होल्ड करती है, और ये स्टेशन वैसे पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीज़न में। देख रहे हैं ना भाई, यहाँ टाइल्स वगैरह सब रखे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है ना भाई चल रहा है। तमलुक रेलवे स्टेशन को भी ना भाई काफ़ी इम्प्रूव यानी डेवलप किया जाएगा। शाम के 7 बजे ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है तमलुक रेलवे स्टेशन से। रानी सिरमौली एक्सप्रेस जो कि चलती है आगरा से आगरा के बीच में, भाई वैसे आगरा से जा रही है आगरा की ओर। बाकी वैसे आप लोग बता दो, ट्रेन हमारी आ चुकी है मेचादा रेलवे स्टेशन में, जो कि भाई वैसे अराइव कर रही है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। बाकी देख रहे हैं ना भाई, यहाँ का आप लोगों को पता ही है
बोलने की जरूरत है नहीं। यहाँ के जो वेजिटेबल चॉप वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ आए तो यहाँ का है ना भाई चॉप जरूर ट्राई कीजिएगा भाई। वेजिटेबल चॉप की बात कर रहा हूँ भाई, काफ़ी स्वादिष्ट रहता है भाई। अब ऐसे लोग जो है तैयार है स्टैंड में बोर्ड करने के लिए या फिर यहाँ स्टैंड को डीप बोर्ड करने के लिए। और आप लोगों को बता दूँ हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है दीघा रेलवे स्टेशन से 126 किलोमीटर आ चुके हैं। मेचेदा रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड MC है। शेप प्लेटफॉर्म को भाई वैसे रेलवे स्टेशन है 30 स्टैंड भाई यहाँ होल्ड करती है। यह स्टेशन पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन में। हॉल्टिंग अगर बात की जाए ना भाई ट्रेन का यहाँ हॉल्ट है 2 मिनट का और ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ अराइवल हुआ है 7:41 यानी कि 7:41 PM में। और बाकी आप लोग बता दो ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम 7:43 में डिपार्ट कर चुकी है मेचेदा रेलवे स्टेशन से। बाकी आप लोग बता दो हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है 140 किलोमीटर वो भी भाई दीघा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। बगनान रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड है BZN। और बाकी आप लोग बोल दो ये स्टेशन पड़ता है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल में और ये स्टेशन पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन में। हॉल्टिंग की बात की जाएगा ट्रेन का हॉल्ट है यहाँ 2 मिनट का और रात के 8 बजे बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बगनान रेलवे स्टेशन से। और बाकी बात की जाए यहाँ प्लेटफॉर्म की ना तो बगनान रेलवे स्टेशन है 5 प्लेटफॉर्म है और बाकी 24 ट्रेन भाई यहाँ हॉल्ट करती है। Thank you.
बाकी आप लोग बता दो, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है 153 किलोमीटर, वो भी भाई दिघा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। कुलबीरा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड ULB, 6 बैठा होगा भाई। रेलवे स्टेशन 24 ट्रेन यहाँ होल्ड करती है। ट्रेन घुसने का समय था भाई रात के 8:18, बट भाई ट्रेन घुसी 8 मिनट पहले, यानी कि 8:10 में। और वैसे होल्डिंग की बात की जाए ना, ट्रेन का होल्ड है 2 मिनट का, बट भाई टाइम से पहले है इसलिए ट्रेन का वैसे होल्ड यहाँ रहने वाला है 10 मिनट का। और यह स्टेशन पड़ता है साउथ ईस्ट रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन में। और बाकी रात के 8:20 में बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है उलूबेरिया रेलवे स्टेशन से। बाकी आप लोग बता दो, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है 177 किलोमीटर, वो भी भाई दिघा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। 17 रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SRC। और बाकी 6 पेट्रोल को भाई रेलवे स्टेशन है। और ट्रेन का भाई से घुसने का समय था 8:46, और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन जो है यहाँ अराइव की है। और हॉल्टिंग अगर बात की जाए ना भाई, ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का। जो कि 17 का जिस अभी जाएगी हावड़ा की ओर। और बाकी आप लोग बता दो, टोटल हम लोगों ने कवर कर लिया 185 किलोमीटर आ चुके हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है IHH। और आप लोग बताइए भाई, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन यानी हावड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि भाई यहाँ जो प्लेटफॉर्म है ना 23 मौजूद है। और हॉल्टिंग की बात की जाए, ट्रेन का आधा घंटे का हॉल्ट है वैसे, और ट्रेन वैसे आई है 9:50 में रात को। ट्रेन घुसने का समय था रात के 9:30, यानी कि ट्रेन वैसे 20 मिनट लेट है। और यहीं पर होगा ट्रेन का लोगों का रिवर्सल। और बाकी आप लोग बोल दो ना भाई, जो जगह कमी थी ना इस ट्रेन में, वो सारे जगह को, मतलब जगह कमी को ना लोग पूरा कर रहे हैं यहाँ हावड़ा से, क्योंकि हावड़ा में ना खचाखच लोग यहाँ उतरे भी है, और उतरने से ज़्यादा जो है ना चढ़ने वाले लोगों की संख्या है। और बाकी आप लोग बोल दो कि अभी ट्रेन का जो है लोको रिवर्सल हो चुका है, लेकिन कौन सा लोकोमोटिव लगा है यानी लोको रिवर्सल जो हावड़ा में, ये मैंने दिखाया, क्योंकि भाई मैंने है ना भाई ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था डिनर आज का हावड़ा रेलवे स्टेशन से, जो कि अभी जस्ट भाई आया। और भाई खाना जो है डिनर लेने के चक्कर में ही टाइम लग गया, और लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो चुका है यानी रिवर्सल हो चुका है। बाकी जो लोकोमोटिव है ना भाई, कल सुबह मैं जब NJP पहुँच जाऊँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर में। और बाकी भाई ट्रेन में से डिपार्ट कर रही है रात के 10:20 में हावड़ा रेलवे स्टेशन से। लंबा
लोग बता दूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन में जो थाली आई थी ना, इसको पहले निकाल लेता हूँ, है ना। और बाकी अनबॉक्स कर चुका हूँ भाई अपने थाली को, है ना। देखिए आप लोग बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध इसमें है। स्पून है भाई, और चावल और दो रोटी दिए गए, साथ में शायद भाई ये रायता लग रहा है, ठीक है। और एक सब्जी यहाँ देखिए दिए हुए हैं, दाल है। और बाकी भाई पनीर के टुकड़े भाई मौजूद है, और ग्रेवी वगैरह जो है ना, देख रहे हैं ना कितना थिकनेस इसका दिया गया है, काफी बढ़िया है वैसे। और बाकी भाई चलिए खाने की शुरुआत करता हूँ दाल और चावल के साथ में। चलिए भाई सब क्वालिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है ना गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट, ऐसा नहीं है कि वैलीपुर मरे नहीं, जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं उस होटल का ही नाम बोलूँगा जी, एलएफएससी फूड ऑन ट्रैक में, पेरा नंबर देख के आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कॉस्मिक रेस्टोरेंट जो हावड़ा लिस्ट में पड़ेगा, जितना लिस्ट आप देखेंगे ना सबसे लास्ट में रहेगा, जो टॉप टॉप में रैंकिंग में ना उनको भी टक्कर देगा भाई। जो क्वालिटी दिया गया ना वैसे तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा। राइस ठीक है, दाल ठीक है। चलिए बारी है वैसे पनीर की, देख ही रहे ना पनीर का ग्रेवी और पनीर कैसा है। ये भी ठीक है, पनीर थोड़ा सा अलग ताले बना ही है वैसे, पर स्पाइसी भी थोड़ा मिठास भी इसमें है, जो कि वैसे सही है। वैसे खाते हैं रोटी के संग सब्जी को, ठीक है, क्योंकि भाई पनीर और दाल तो ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। और ये जो है भाई मुझे लग रही है कि लौकी की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, ठीक है। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए भाई डिनर की क्वालिटी की, जो मैं ऑर्डर किया था कॉस्मिक रेस्टोरेंट के ऑर्डर लेटर, भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई। चलिए डिनर कंप्लीट करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं।
नॉर्थवी एक्सप्रेस कामाख्या से लेकर आनंद विहार की ओर झुकते हुए निकल चुकी है कामाख्या से और जा रही आनंद विहार यानी दिल्ली की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और इस ब्लॉग के यानी पहाड़ी एक्सप्रेस के डे टू में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग बता दूँ, हावड़ा के बाद है ना भाई, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और इसके बाद जो स्टेशन में कवर करने वाला था यानी बंडल जंक्शन, वो लगभग रात के 12 बजे आई थी। और आप लोग को पता है भाई, RAC सीट था मेरा, और तो कुछ भी करके भाई मैं थो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई नींद लगी थी। और इसी के लिए बहुत सारे स्टेशन भाई स्किप हो गए। बरसुई रेलवे स्टेशन के बारे में टोटल हम लोगों ने कवर किया है 606 किलोमीटर। और बरसुई रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BOE। 3 प्लेटफॉर्म को भाई रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट पंडर जोन के कटिहार डिवीजन में, और यह स्टेशन पड़ता है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बिहार में। सब सभी का बिहार में स्वागत है। और बाकी टोटल हॉल्टिंग की बात की जाए, ट्रेन मतलब टोटल 106 ट्रेन यहाँ हॉल्ट करती है बरसुई जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और हॉल्टिंग अगर बात की जाए ना भाई, ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। वैसे ट्रेन लेट तो थी रात को, बट इसको थोड़ा मेकअप कर दिया गया है। लगभग ट्रेन वैसे 20 से 25 मिनट अभी लेट चल रही है। ट्रेन जो घुसने का समय था लगभग सुबह के 5:30 बजे, बट ट्रेन यहाँ आई लगभग सुबह के 6 बजे। चले मिलते हैं आपसे अब डिपार्चर में। वैसे सुबह के 6:03 में ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बरसुई जंक्शन रेलवे स्टेशन से। Thank you.
बाकी आप लोग बता दो, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है 663 किलोमीटर आ चुके हैं। किशनगंज रेलवे स्टेशन स्टेशन कोडे के नहीं, और दो पैटर्न को भाई रेलवे स्टेशन है 176 ट्रेनों का भाई यहाँ होल्ड होता है, और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है। बाकी स्टेशन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे जोन के, जी हाँ, कटिहार डिवीजन में। और बाकी ट्रेनें घुसने का समय था यहाँ पर सुबह के 6:08, बट भाई ट्रेन यहाँ घुसी है 6:52, यानी कि ट्रेन लगभग 44 मिनट लेट चल रही है। और बात की जाए ना भाई किशनगंज के बारे में, तो किशनगंज फेमस है अपने टी प्लांटेशन यानी कि जो चाय पत्ती है उसके प्रोडक्शन के लिए, ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ से हिमालय पर्वत जो है ना वो काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी फाइनल डेस्टिनेशन जाने वाले हैं NJP यानी सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी का जो हिमालय पर्वत का है ना कुछ हिस्सा आप लोग को यहाँ से भी देखने को मिलेगा। और हॉल्टिंग की अगर बात की जाए ना भाई, ट्रेन का हमारा यहाँ हॉल्ट है 2 मिनट का, 6:56 में ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है किशनगंज रेलवे स्टेशन से। और यहाँ भी देख लीजिए प्लेटफॉर्म में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस तरफ देखिए चल रहा है, और यहाँ कुछ कुछ हिस्से में पूरा हो चुका है। अब बाकी आप लोग को देखिए चाय वगैरह स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को रोटी सब्जी और बाकी यहाँ चौप वगैरह मिल रहे हैं। बाकी हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में।
और बाकी आप लोग बता दूं, फाइनली हम लोगों ने लगभग 780 किलोमीटर कवर कर लिया और आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, इस ट्रेन के डेस्टिनेशन यानी कि दीघा से आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में। और स्टेशन के बारे में अगर बता दूं, स्टेशन कोड है NJP और जो कि पड़ता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे जोन के कटिहार डिवीज़न में। और NJP आप लोगों को पता ही है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है अपने दार्जिलिंग के लिए भाई, क्योंकि यहाँ से लोग घूमने के लिए दार्जिलिंग वगैरह दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ से लोग, और गैंगटॉक भी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से गाड़ी वगैरह मिल जाता है। और यहाँ के चाय के बगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये जगह। और बाकी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने हावड़ा में जो लोग को रिवर्सल दिखाया नहीं था कि कौन सा लोकोमोटिव लगा था, तो मैं चलिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा लोकोमोटिव जो है वो इसमें लगी हुई है। कि हमारे ट्रेन को जो हावड़ा से NJP तक लेके आई थी लोग को रिवर्सल होके, वो थी हावड़ा की V4 की लोकोमोटिव। और बाकी आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा है ये वीडियो बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे। तब तक के लिए गाइस अच्छे से रहे, सही से रहे, जय हिंद।